तो वो सोर्स निकल गई, वुड पे देने के बाद शुक्रिया। तो मैं अपने खाली टाइम में इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, और मुझे ऐसा मत देखो जैसे कि तुम लोग नहीं करते हो, तुम लोग भी यही करते हो मुझे पता है। सही बात है। तो मेरे सामने फिर ये ऐड आई, देख लिया। तो इसे देखने के बाद मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। मैं सोचा कि इससे मस्त मैं इन्वेस्टिंग सीख जाऊंगा और बस अमीर बन जाऊंगा। तो फिर क्या था, फिर मैंने इस गेम को इंस्टॉल कर लिया। और जो मेरे साथ हो, उसे देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर देख ही रहे हो तो लाइक भी कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मुझे पता नहीं यहाँ पे रास्ते पे गिरे हुए पैसे क्यों मिल रहे हैं, लाइक असली में तो नहीं मिलते, इसमें ही मिल रहे हैं। तो अब बारी इन्वेस्टिंग का, और इन्वेस्टिंग के लिए मुझे दो ऑप्शन है, टिकटॉक या वाइन। तो मैंने तो टिकटॉक को चुना क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। और फिर यहाँ पर भी मेरा पोपट हो गया। मैं गेम तो जीत गया लेकिन मेरे पास खाली $100 था, और इन लोग मुझे $1000 की चीजें खरीदने बोल रहे थे। नहीं मतलब कमाल है, मैं गरीब हूँ। तो फिर एक नया गेम, और हम लोग वापस सड़क पे से पैसे उठा रहे। ये अंकल लोग को टॉर्च कर दे, हम इस बार करेंगे सोलार में इन्वेस्ट क्योंकि धरती माँ इम्पोर्टेंट है। वाली वीडियो चेक। और सोलार एनर्जी हमें अमीर बना दिया। वाओ कांग्रेचुलेशन। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस आ गए। इस बार हमें दो ऑप्शन, एक स्वेटर और एक ये ड्रेस। तो मैं स्वेटर लूंगा। अरे ये तो गलती से हो गया। सच्ची में वो गलती से हुआ था, लेकिन अच्छा है हम लोग उसके जैसे थोड़े अमीर तो हो गए। तो मेरे अच्छे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ओके, तो इस बार हम लोग पक्का जीतने वाले। मैं पहले सारे पैसे उठा लेता हूँ, और ये लड़की, इसके ऊपर मैं थोड़ा खर्चा तो कर ही सकता हूँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सच में यार बहुत बेकार होता है। ओके, तो एक नया गेम फिर से। इस बार हम लोग कोई लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्पॉटिफाई और रेडियो के बीच में चुनना है। मैं स्पॉटिफाई को चुनूंगा क्योंकि मुझे मिथपैट पॉडकास्ट बहुत सही लगता है, और ये ऊपर भी जा रहा है, और ये बहुत सही, और इससे हम लोग को जिता भी दी। इस बार ना हम लोग अपना लक आजमाएंगे गेम में, देखते हैं हमारा लक कैसा है। ओके, तो पहला गैम्बल सक्सेसफुल है, दूसरा भी है, वहाँ पर दूसरा भी देखते हैं सक्सेसफुल। चलो अब तीसरे की बारी, आगे है एक और तीसरा भी सक्सेसफुल। सही, तो इस बार हम लोग को ये दो पेंटिंग के बीच में चूज करने, दूसरी तो पेंटिंग में नहीं लग रही है। तो पहली पेंटिंग है मोनालिसा की, जो कि NFT कलेक्शन हो सकती है, और जो दूसरी ये भी एक NFT कलेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं चूज करूंगा मोनालिसा को क्योंकि ये उससे ज्यादा बेटर है, और मेरे साथ 98% लोग और। अब मैं वेल्थी कैटेगरी में आ चुका हूँ, और बस फिर अभी सामने एक बाइक है। और मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली। तो अब उस गेम को खेलने के बाद मेरे पास जो इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, मैं उसका इस्तेमाल करके कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा और अमीर बनूंगा असली जिंदगी में। तो चलो फिर मैं इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ। 2 days later। गाइस, मैंने जिस दिन इन्वेस्ट किया उसके अगले दिन ही पूरा मार्केट क्रैश हो गया। मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब लॉस में, मैं भी सब पूरा खत्म हो गया। गाइस, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताता हूँ। देखो गाइस, मैं पूरी तरीके से लॉस था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ कर सकूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सही बात है। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक करना। अरे ये तो मैं भी बोलता है, चलो अडा। और ये जो अभी आपने देखा, ये एक छोटा सा स्केच था। ये वैसे गेम्स की वजह से कुछ नहीं होता है, लाइक मैंने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। तो मैं डिस्क्लेमर एंड में क्यों दे रहा हूँ। चलो जा रहे थे। एनीवे गाइस, अभी हम लोग बहुत जल्दी 150 सब्सक्राइबर अचीव करने वाले, तो अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। अब मुझे उसका फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते मैं आपको जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।